हेलो दोस्तों, मिथिला में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले मैंने आप सभी को अपने चैनल पे दरभंगा से सहरसा रेल लाइन के बीच विद्युतीकरण यानी कि इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क के बारे में काफ़ी सारे अपडेट्स दिखाए हैं, जिसमें कि मैंने आप सभी को कभी दिखाया था सहरसा से सुपौल के बीच में इलेक्ट्रिफिकेशन का अपडेट, तो कब दिखाया था आप सभी को मैंने निर्मली से दरभंगा के बीच में इलेक्ट्रिफिकेशन का अपडेट। आज की इस वीडियो में आप सभी को दोस्तों दिखाने वाला हूँ सरायगढ़ जंक्शन का इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट की कहाँ पर जो है कितना काम हुआ है सरायगढ़ जंक्शन पर। पूरा वीडियो में दोस्तों आप सभी एंड तक बने रहे, और चैनल पर नए हैं तो ऐसे और वीडियोज देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आप सभी हमारी वीडियोज़ को कहाँ से देखते हो हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। आइए अब देखते हैं कि सरायगढ़ जंक्शन पर जो है कितना हुआ है इलेक्ट्रिफिकेशन, पूरा ग्राउंड रिपोर्ट, पूरा वीडियो देखते रहिए दोस्तों आप सभी। दोस्तों जैसा कि आप सभी देख रहे हो, ये है सरायगढ़ जंक्शन और यहाँ पर जो है अभी फ़िलहाल इलेक्ट्रिफिकेशन के वायर्स जो है नहीं लगे हैं, बाकी तो है पोल्स वगैरह लग चुका है। आगे आप सभी को दिखाया था पिछले वीडियो में कि जो है सुपौल तक जो है हो ही चुका है कंप्लीट, अब सरायगढ़ तक जो है फिलहाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आगे की बात करें तो देखिए उधर भी जो है सारी पोल्स वगैरह लगे हुए हैं खाली, और ये जो है इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जो है पूरा नहीं हुआ है। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को हमारा आज का ये ग्राउंड रिपोर्ट हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी जो है फिलहाल मैंने आप सभी को जैसा कि वीडियो में दिखाया कि सिर्फ पोल्स जो लग चुके हैं सरायगढ़ जंक्शन तक, लेकिन अभी जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन की वायर्स जो है नहीं आई है, तो इस प्रकार का जो तो अपडेट था कुछ। और इससे पहले मैंने आप सभी को दिखाया था घुघडिया तैमूरिया निर्मली, वो भी दिखाए थे वीडियोस, तो उनको भी आप सभी देख सकते हो। उनका वीडियो का लिंक मैं आप सभी को आई बटन में डाल दूंगा ऊपर में, आप सभी जो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो उनके भी अपडेट्स। वहाँ पर भी दोस्तों इसी प्रकार का काम है, सिर्फ जो है छोटे मोटे पोल्स वगैरह लगे हैं कहीं कहीं पर, यानी कि यहाँ पर जो है निर्मली की साइड जो है आगे ज़्यादा पोल्स भी नहीं लगे हैं, लेकिन सरायगढ़ जंक्शन तक जो है पोल्स वगैरह लग चुका है, क्योंकि सुपौल रेलवे स्टेशन तक जो है पूरा विद्युतीकरण का कार्य हो चुका है। क्योंकि दोस्तों काफ़ी दिनों से जो यहाँ के क्षेत्रवासी यहाँ से एक्सप्रेस ट्रेन की मांग कर रहे हैं, तो अगर यहाँ से एक्सप्रेस ट्रेन चलना होगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे विद्युतीकरण का कार्य होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसके बिना जो है एक्सप्रेस ट्रेन की उम्मीद देखना संभव नहीं है। तो यहाँ के काम के रफ्तार जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है अभी इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर। अब दोस्तों देखना यह है कि कब वो दिन आएगा जब दरभंगा से लेकर सहरसा तक का रेल लाइन वाया सुपौल निर्मली झंझारपुर का पूरा रूट जो है ये इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा, और उसके बाद जो है यहाँ पर बहुत जल्द ट्रेन देखने मिल सकता है जो कि होगा एक्सप्रेस ट्रेन, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन के लिए जो है विद्युतीकरण का कार्य होना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो है दोस्तों दरभंगा से फॉरबिसगंज का भी रेल लाइन है जिसका भी जो है अभी इलेक्ट्रिफिकेशन होना बाकी है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है लंबा समय लगने वाला है इन सभी में भी, लेकिन देखना यह है कि ये सब काम जो है कब तक पूरा होता है। दोस्तों कैसा लगा हमारा आज का ये ग्राउंड रिपोर्ट, आगे आप सभी को किस तरह के ग्राउंड रिपोर्ट्स और कहाँ के ग्राउंड रिपोर्ट चाहिए हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलता हूं आप सभी से बहुत जल्द एक नए वीडियो पर एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।